हेलो गाइस, व्हाट्स अप गाइस। प्रीवियस एपिसोड बहुत ज़्यादा इमोशनल था, जिसमें जैन नूरा को मरा हुआ समझता है और गुस्से में आपे से बाहर हो जाता है और अरीना इसी मौके की तलाश में होती है। सो नाउ स्टार्ट एपिसोड नंबर 18 चैप्टर 3। जैन गुस्से में अपने रास्ते में आई हर काली ताकत को ख़त्म करता है, पर उसके दिल को सुकून नहीं मिलता। तभी वो गुस्से में चिल्लाता है और अपना सीधा हाथ ऊपर उठाता है। तभी बिजली की कड़क के साथ एक आग से जलती हुई तलवार उसके हाथ में आ जाती है। उसका गुस्सा देख ईशाल और मीकाल घबरा जाते हैं, पर उसके साथ लड़ने को तैयार हो जाते हैं। दोनों उस पर हावी होने की कोशिश करते हैं, पर जैन की आंखों में आग जलती देख पीछे हटने लगते हैं। जैन गुस्से में ईशाल के सीने में वो तलवार घुसा देता है। अरीना तभी वहाँ पहुँचती है। अपने भाई को तकलीफ में देख जैन पर उसकी बेटी के खून से वार करती है और जैन कमज़ोर हो जाता है। दूसरी तरफ सब जैन की हिफाजत की दुआ करते हैं। तभी निगत देखती है कि नूरा के जिस्म में हरकत हो रही है और देखते ही देखते वो ठीक होने लगती है। उसके बाद फिर लंबे और आंखों के नीचे गहरे भी नहीं होते। निगत हैरान रह जाती है। अब नूरा के सर पर फैरिजात की तिलिस्मी चमकती है और वो गहरी सांस ले अपनी आंखें खोलती है। सब हैरान रह जाते हैं। नूरा उठती है और जाने लगती है। कहाँ जा रही हो, सायरा ने पूछा। वहीं जहाँ मुझे होना चाहिए, और ये कहते ही वो बाहर कूद जाती है। मीकाल और अरीना मिलकर जैन की ताकत बाहर निकालने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं। जैन के आंख और नाक से खून निकलने लगता है। वो दर्द से चिल्लाता है। तभी उसकी ताकत निकलना बंद हो जाती है। अरीना सोचती है ये क्या हो रहा है। एक रोशनी हर तरफ फैल जाती है जिसे कोई नहीं देख पाता, पर जैन अपनी लाल आंखों से देखता है। नूरा पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत अपनी हाथ में तलवार लेकर चलती हुई आ रही थी। अरीना को खतरे का एहसास होता है। वो मीकाल को वहाँ से हटने को कहती है, पर वह गुस्से में आगे बढ़ता है। वो नूरा को मारने वाला होता है, पर इससे पहले नूरा अपनी तलवार फेंकती है जो उसके सीने में आग आर पार हो जाती है। अरीना चिल्लाती है, चाहे कुछ भी हो, पर वो अपने दोनों भाइयों से प्यार करती थी। अब अरीना गुस्से में आगे बढ़ती है और उस पर वार करना चाहती है, पर वो उसकी कोशिश नाकाम बना उसका गला पकड़ लेती है। बात मेरी होती तो मैं जाने देती हूँ, लेकिन बात जब मेरे जारून की होती है तो मैं उसे जान से मार देती हूँ। उस वक्त अरीना ने उसकी आंखों में देखा और समझ गई कि जो वो कह रही है वो कर गुजरेगी, इसलिए अपनी ताकत का इस्तेमाल कर वहाँ से गायब हो जाती है। नूरा जैन के पास आती है और फैरिजात की तिलिस्मी से उसे ठीक करती है। दोनों गले मिलते हैं, पर अपनी बेटी के ना मिलने पर दुखी होते हैं। नूरा इतनी दुखी होती है कि वो अपनी बेटी को देख भी नहीं पाई, और इस तरह जैन और बाकी घर वाले उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करते हैं। एक दिन नूरा जैन से पूछती है, अच्छा ये तो बताएं कि वो किसके जैसी थी, मेरे जैसी या आपकी जैसी। जैन मुस्कुराता है, वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी। हालांकि मैं भी उसे ठीक से नहीं देख पाया था, पर फिर भी गुमान होता है कि वो बिल्कुल तुम्हारे जैसी होती। नूरा खुश होती है, अच्छा ये बताए कि उसका नाम क्या रखें। जैन सोचने लगता है, जैन और नूरा, तो नाम हुआ ज़ारा। नूरा हंसती है, ज़ारा ज़ारा नहीं, शानजा। अरीना उसके खुश होने पर उस बच्ची को देखती है जो इस मंजर को बड़ी नफरत से देख रही थी। इन गुजरे दिनों में अरीना ने उस बच्ची में असीम ताकतें महसूस की थी। वो ना सिर्फ काली बल्कि अच्छी ताकतों का मिलाप थी। वो अभी 6 महीने की ही हुई थी, पर उसका जिस्म 5 साल के बच्चे जितना बड़ा हो चुका था। वो हर दिन बढ़ रही थी, शायद इसलिए क्योंकि वो शलाका की भी ताकत थी, बॉडी स्पिरिचुअल ट्रांसफर की वजह से। वो जल्दी बड़ी हो रही थी और अरीना भी यही चाहती थी। अरीना उस बच्ची को उन दोनों की तरफ से इतना बदगुमान कर चुकी थी कि अब वो उन्हें अपना माँ बाप नहीं, अपना दुश्मन समझती थी।
इसी बीच अरमान यानी जैन के दोस्त का रिश्ता निगत के लिए आता है। सब खुश होते हैं और निगत की सगाई की तैयारियां चल रही होती है। नूरा को रह रहकर सारा की याद आती है। आज निगत की सगाई का फंक्शन होता है, सब खुश होते हैं। अरीना को इसी मौके का इंतजार था। तुम तैयार हो? शांजा ने हाँ में सर हिलाया। अब तुम मेरे भाइयों का बदला लोगी और अपनी माँ का भी। सब लोग रिंग सेरेमनी में बिजी होते हैं जब शांजा वहाँ आती है। सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं। वो नूरा की परछाई थी, उसकी आंखें उसके बाल सब नूरा की तरह थी। जैन समझ जाता है, इसीलिए वो नूरा को अपने पीछे कर लेता है। सो गाइस, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। बताइए कि आगे क्या होगा, क्या शांजा अपने माँ बाप को माफ़ कर देगी या फिर कहानी में नया ट्विस्ट आएगा। तब तक टेक केयर, डोंट फॉरगेट लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब।